What is up, ladies and gentlemen? Welcome back to another video. And guys, आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 में parkour challenge. And हमारे पास है यहाँ पर SUV गाड़ियाँ और इन SUV cars को अपन टेस्ट करेंगे कुछ insane ramps के ऊपर. और देख सकते हो पहला रैंप आ चुका है. ओ भाई ये रैंप है कि क्या है बे? भाई ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा बना दिया भाई. लेकिन अपन लोग ऊपर आ कैसे गए? मेरे को बहुत ज्यादा शौक हो रहा है भाई. अरे मेरे को भी हो रहा है दोस्तों. काम करते हैं, क्यों ना हम लोग वापस नीचे चल के देखें कि अपन लोग ऊपर आए कैसे. गाइस झूठ नहीं बोलूंगा, ये देख रहे हो तुम स्लैंटेड, देख रहे हो कितना स्लैंटेड है भाई ये. इतना स्ट्रेट रैंप मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा. इट्स लाइक अपन लोग पूरा का पूरा भाई दीवार के ऊपर सीधा चढ़ा रहे 90 डिग्री एंगल पे. ये देखो भाई. और भैया क्या गाड़ी की यार पावर है, मान गया गाइस. एसयूवी हो तो ऐसी हो, वरना तो भाई एसयूवी तो बहुत है जीटीए के अंदर. ऑलराइट तो दोस्तों अपने को भाई अब यहां पर एक और चैलेंज पार करना. और ये चैलेंज होने वाला है कि क्या हमारी गाड़ी, अरे भैया ठोकना बंद करोगे तुम पीछे से यार, धक्का दिए जा रहा है ये आदमी भाई. यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें समझ नहीं आता. तो भाई देखो एक्सपेरिमेंट भाई सबको करना है, गाड़ी हटा कर जितना करना है एक्सपेरिमेंट करते रहो. अरे तो गाड़ी हटा दूंगा तो फिर किस बात के एक्सपेरिमेंट भाई, मेरे को यहाँ पर यार किसी तरीके से आराम से करने दो, समझ गए. परेशान किया ना भाई तुम्हें, पूरा आरपीजी सुड़ा डालूंगा, समझ गए. लेट्स गो गाइस. अरे यार एक तो ये सीधा नहीं चढ़ती है भाई. ऑलराइट तो गाइस चलो एक और ट्राई मारते हैं यहाँ पे. वैसे भी चॉप द नूब कभी भी इसके उस पार नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों, क्योंकि आज उसका जो कीबोर्ड है वो खराब हो चुका है एंड उसको भाई मेरे कंट्रोलर से खेलना पड़ रहा है. और गाइस चॉप को ना कंट्रोलर खेलने की उतनी आदत नहीं है जितना अपने को आदत है, और वो एक नंबर का कीबोर्ड प्लेयर है गाइस. एंड अपन लोग यहाँ पर भाई इसी चीज का फायदा उठाएंगे. और क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड है तो हो सकता है मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करूं, लेकिन हाँ क्योंकि देखो यार चॉप को खेलना ही नहीं आता है भाई. वैसे सच बताऊं ना तो ये मैप कंट्रोलर से ज्यादा इजी है, बट जस्ट बिकॉज चॉप ने यार उतना ज्यादा कंट्रोलर यूज नहीं किया, ही इज अ नूब. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं वंस अ नूब ऑलवेज अ नूब, एंड इस नूबनेस का फायदा उठा के तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने यहां पर कर लिया है अच्छा खासा डिस्टेंस अपने और चॉप के बीच में. अब देखना यह है दोस्तों यहां पर कि क्या मैं समय रहते इस रेस को भी कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि जो असली चैलेंज है वो इस रेस का चॉप को हराना नहीं है, वो ये रेस खुद है भाई. क्योंकि इस रेस में भाई इतने सारे चेक पॉइंट है और हर चेक पॉइंट को इतना ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से डिजाइन किया गया है ना दोस्तों कि आपको मैं क्या बताऊं. लाइक हर एक कॉर्नर पे आपकी गाड़ी इजिली फिसल सकती है, नीचे गिर सकती है, ब्लास्ट भी हो सकती है. तो आपको इन सारी की सारी चीजों से बचते बचाते हुए किसी तरह सेफली अपनी गाड़ी को लेके जाना है. और तो और अगर मौका मिले तो चॉप जैसे नूब को ट्रोल भी करना है. और फॉक्ट भाई भाई यार आरपीजी क्यों मारते हो भाई मेरे को? अरे आरपीजी तो दोस्त अपन लोग टाइम पास के लिए मार रहे हैं. एनीवेज यार मैं इसको थोड़ा ट्रोल करता हूँ गाइस, आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ. ऑलराइट तो गाइस बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर लिया अपन लोग ने, तो अब टाइम है थोड़ा आगे बढ़ने का. ठीक है ज्यादा टाइम भी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना सही है भाई अपने लिए. सो लेट्स गो. एंड एज यू कैन सी काफी इजी तरीके से पहला वाला हम लोगों ने कर लिया है. अब भाई जो असली प्रश्न है वो यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम लोग दूसरे वाले रैंप को भी उतनी ही बखूबी की तरह से कंप्लीट कर पाएंगे. और भाई ये गाड़ी अभी तक तो बहुत अच्छा साथ दे रही है भाई. मतलब ये टाइटरोप चैलेंजेस लिटरली बता रहा गाइस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब हाथ से पसीना बाहर आ जाता है भाई. लेकिन बंदे की ना दिमाग फोकस थोड़ा सा भी नहीं चेंज होना चाहिए. और गाइस बहुत इजीली से हम लोगों ने यहाँ पर एक और रैप कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ ऑल दैट इज लेफ्ट कि अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है मोटी मोटी मेटल पाइप्स के ऊपर से. लेकिन गाइस क्या ये मोटी मोटी मेटल पाइप्स अपने को रोकने के लिए काफी है, आइए देखते हैं. ओके यहाँ पर तो गाड़ी एकदम इजी पीजी तरीके से ले जानी है. थोड़ी और मेटल पाइप्स का सामना करना पड़ा है दोस्तों, लेकिन इस गाड़ी के अंदर फोर व्हील ड्राइव देखने को मिलती है, तो उस वजह से चारों चक्के हमारे बहुत ही ज्यादा पावर के साथ रोटेट करते हैं. उस वजह से गाइस अपने को ये बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है बोला कोई दिक्कत ही नहीं होती है. और ये देखो भाई एक और मेटल पाइप आ चुका है हमारे सामने. क्या हमारी गाड़ी इसको पार कर पाएगी? ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन लगता है हमारी गाड़ी अटक चुकी है. एंड अफसोस लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी गाड़ी बुरी तरीके से अटक चुकी है. तो भाई यार आप तो नूब आदमी हो भाई, आपसे तो इतना भी पार होता है. अरे भाई सब पार कर लिया मैंने, तू भाई अपने ऊपर फोकस किया कर, समझ गया, मेरे ऊपर ना फोकस कर. और ये देखो मैंने भाई चॉप के चक्कर में ना गाइस बहुत जोर से गाड़ी लॉन्च कर दी एंड उस जोर जार के चक्कर में ये गाड़ी जो है वो नीचे गिर गई. एंड भाई अब अपने को दोबारा इसको ट्राई करना पड़ेगा, बट डोंट वरी ये भाई इजी चीज है, ये मैं बार बार भी कर सकता हूँ. बट द रियल प्रॉब्लम लाइज अहेड गाइस. ये देख रहे हो तुम यहाँ पर दोस्तों अपने को जंप मारना है ट्यूब के ऊपर. ओ लुक एट दैट चॉप भी आ गया भाई, कितना देर से मैं अटका हुआ हूँ इसके ऊपर. तो भाई आप इतने देर से अटके हो कि मैंने कैचअप कर लिया. सोचो भाई आपने तो मेरे को आरपीजी छुड़ाया, तो ऊपर से मैं कंट्रोलर पे भी खेल रहा हूँ. तो अब आप बताओ भाई फ्रॉस्ट भाई कौन बड़ा नूब है यहाँ पे? अरे देखो दोस्त मायने ये नहीं रखता कि समय किसको ज्यादा लगा है, मायने ये रखता है कि फर्स्ट प्लेस
पर कौन है। और फिलहाल तो फर्स्ट प्लेस पर सब फेके इंसान का नाम दिखाई दे रहा है गाइज, और वो है फ्रॉस्टी भाई। तो अपन लोग चॉप की सारी बातों को स्टुपिडिटी समझ के इग्नोर करेंगे एंड गाड़ी को गाइज यहाँ पर 360 डिग्री टोक्यो ड्रिफ्ट मार के घुमाएंगे बिल्कुल स्टाइल में। लेकिन ये स्टाइल कब तक काम आएगा भाई मेरे को नहीं पता दोस्तों, क्योंकि आगे हम लोगों को एक और रैंप देखने को मिल रहा है, तो आई एम गेसिंग कि यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है गाइज। सो विश अस बेस्ट ऑफ लक और देखते हैं क्या होता है दोस्तों। गाड़ी तो गाइज मैंने ऊपर चढ़ा दिया बट यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलो भाई ऐसे ही चलते रहो धीरे धीरे आराम आराम से, बिल्कुल भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है गाइज। अरे नहीं 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 नहीं, ये चक्का फिसला भाई, मैं सच बता रहा हूँ मेरी गाड़ी एक इंच और अगर लेफ्ट चली जाती ना गाइज अपन गिर जाते। बट यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से एक ही बार में हम लोगों ने इस चेक पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। बट क्या हम लोग यहाँ पर भी वही कलाकारी दिखा पाएंगे? ओह नो, अरे भैया कहाँ कूद गया मैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट ओवर हियर। एंड ये देखो शानदार तरीके से गाड़ी को हम लोगों ने जंप करा दिया है, गाड़ी यहाँ पर ठुक चुकी है। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने चॉप। तो भाई वही करोगे जो नूब लोग करते हैं भाई, गाड़ी से क्यों बाहर आ रहे हो वैसे आप? अरे चाहता नहीं हूँ मैं बाहर आना भाई, ये गाड़ी से मेरे को यार गेम निकाल देता है, एफ दबदाता है मेरा गलती से। ओके लेट्स गो, लेट्स गो, लुक एट दैट, क्या शानदार तरीके से भाई हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बट भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा उल्टी पुल्टी मार रही है, और अगर ऐसा चलता रहा दोस्तों तो अपन लोग ऊपर कैसे जाएंगे, मेरे को तो भाई काफी स्पीड चाहिए। ओके तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर रिवर्स गियर में डालते हैं, फॉरवर्ड गियर में डालते हैं एंड लेट्स डू इट। ओके तो देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं भाई असली प्रोग्रेस। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, एंड चैनल पे सब्सक्राइब के बटन को दोस्तों जरूर से दबा दीजिएगा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया भाई, चॉप देख रहे तू? तो भाई देखने के लिए आंखें थोड़ी थोड़ी है भाई, आरपीजी मार मार के तो सारी आंखें फोड़ दी आपने मेरी। अरे चल भाई इतना ड्रामा मत कर, वो तो मैंने बस स्टार्टिंग में एक दो आरपीजी मारी थी, तेरे को उतने में तेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया भाई। तो भाई आंखें देखो, मेरी गाड़ी अभी भी यार स्मोक कर रही है भाई, बहुत भारी नुकसान करवा दिया आपने, इसके पैसे कौन भरेगा फॉक्ट भाई? अरे पैसे वैसे तुम यार मेरी रेस की फ्री विनिंग मनी होती है ना जो प्राइज मनी, उससे ले लेना अभी के लिए मेरे को। यार ये लाल लाल बॉल्स भाई बहुत परेशान कर रही है, अबे टकला फूट गया मेरा यार। फॉक्ट भाई अच्छा हुआ आपके साथ भाई, तीन चार बॉल मैं भी फेंक कर मारूंगा ना तो सही में आपका पूरा शरीर फट जाएगा। अरे तुम कैसे फेंक के मारोगे भाई, पहले पकड़ के तो दिखाओ। और गाइस जैसा भाई ये गाड़ी चला रहा है ना, इसको तो पकड़ने भाई एक जमाना लगने वाला है। वो देखो कैसे नीचे गाड़ी कुदा रहा है, ओ भाई कितनी तेजी में जा रहा है, मर मर जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ शिट ओ शिट, अरे गाड़ी गिर गई भाई, हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गाइस देखो यार बहुत हो गया भाई, मैं यहाँ पर इतनी देर से अटका हुआ हूँ ना, मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। बार बार गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पर आके गिर जाती है, और अगर नहीं भी गिरती है तो ये चॉप का बच्चा गाइस नीचे से आरपीजी मार के अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। भाई तो मैं क्यों ना ब्लास्ट करूं भाई, आपने मेरे को इतना आरपीजी छुड़ाया है भाई, मैं आपको छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। अरे भाई 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 देख रहे हो गाइस, फुल टू यहाँ पर गैंग वॉर हो रही है रेस के नाम पे। अबे रेस करने आया या वॉर करने आया पहले डिसाइड कर ले भाई, सामने वाले पार्टी को इतना डैमेज देगा तो फिर कैसे काम चलेगा दोस्त। ऑलराइट लेट्स गो, जल्दी से गाइस रिस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ पर चेक पॉइंट मिला इतनी देर के बाद, क्या ही बताऊं आप लोगों को। ओह माय गॉड इतनी खुशी, सामने भाई मस्त रैंप बना हुआ है, गाड़ी चढ़ा दिया जाए इसके ऊपर। एंड ये देखो क्या उड़ाते हैं ले जा रहे हैं, मजा ही आ गया दोस्तों। ओ भाई फिनिश लाइन आ गई क्या? अरे नहीं अब भी कहां फिनिश लाइन है, ओ ये क्या है, अरे भैया बूस्ट मार दिया। ओ माय गॉड गाइस लगता है इसको रिवर्स में करना पड़ेगा मेरे को। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, गाड़ी को अपन लोग ने कर लिया है यहां पर रिवर्स कंडीशन में, और एकदम धीरे से लैंड कराएंगे। ओ भाई चिपक जा चिपक जा, यस भाई 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 ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं, यहां पे एक्सीलरेट करना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए। एंड बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने वो कर दिखाया है दोस्तों जो चॉप भी कभी नहीं कर पाता। और भाई यहाँ बूस्टर लगा, अरे बूस्टर के चक्कर में भाई नीचे गिरा दोगे, ऐसे जगह पे किसको बूस्टर लगाने बोला था भाई, और ये कैसे चढ़ेगी गाड़ी? गाइस सामने जरा तुम रैंप का एंगल देखना, आपको लगता है यहाँ पे गाड़ी चढ़ पाएगी? तो भाई गाड़ी तो चढ़ जाएगी भाई, डिपेंड करता है ड्राइवर कैसा है। अबे ड्राइवर जैसा भी है तेरे से अच्छा ही है भाई, अपनी शक्ल देखी कभी? भाई साहब लास्ट प्लेस में बैठा रहता है, डिस मेरे को मारना इस बंदे को। अरे भैया स्टॉप साइन कैसे जा रहे हो भाई, इंसान को मारोगे क्या? ओहो ये क्या है दोस्तों, वो देखो नीचे चॉप आ गया। अरे चॉप को देखने के चक्कर में मैं ही गिर गया। गाइस मैं सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर आने के बाद मेरी गाड़ी का इंजन फेल हो गया है दोस्तों, गाड़ी को मैं जितनी भी स्पीड दे दूं ये आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो हम लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। एंड पीछे ले जाने के बाद भाई फिर से आगे लेके आएंगे, ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो कितनी इजिली आ गई, इसलिए बोलता हूँ भाई हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है दोस्तों। लेकिन क्या ये लैंड कर पाएगी? ओ भाई लैंड तो सही कर गया यार। तो भाई जरा नीचे देखो मैं भी आ रहा हूँ भाई। अरे हाँ दिख रहा है तू पिंक गाड़ी में भाई, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तेरे ऊपर फोकस करने का, तेरे पास भी तो टाइट रोप है करने के लिए। और गाइस जो इसके पास टाइट रोप है वैसा ही कुछ टाइट रोप हमारे पास भी है, बट इन लोगों ने जो डिफिकल्टी है टाइट रोप की उसको थोड़ा इनहांस कर दिया है दोस्तों। और राइट लेट्स कीप मूविंग। अरे भैया क्या हो गया, थोड़ा आराम से ले चलो दोस्त, लगता है यहाँ पर भी डबल जंपिंग देखने को मिलेगी गाइस। एंड लुक एट दैट, क्या जंप मारा है।
लेकिन उतनी ही बखूबी के साथ गाइस यहाँ पर लैंड भी किया हम लोगों ने। वाओ मैन, मान गया मैन, बस थोड़ा सा और मैन, मजा आ जाएगा। ओहो, यहाँ पर बर्न आउट कर लेता हूँ मैं गाइस, बहुत ज्यादा एज पे खड़े अपन गाड़ी लेके, लेट्स गो। यह हुई ना बात, अब आएगा मजा। ओहो, अरे उधर कौन गिर रहा है, चॉप द नूब भाई, इसको रिवर्स करने वाला पॉइंट पे अब जाके पहुंचा है गाइस। बताओ यार, अपन तो भाई गाड़ी ड्रिफ्ट करा के टाइट रोप पे चढ़ाते, ये है हमारा स्वैग। लेकिन गाइस अपने स्वैग से मैं कहां इन नूबड़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। और तो और गाइस, लगता है फिनिश लाइन बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है, तो रेडी हो जाइए एक धमाकेदार फर्स्ट प्लेस के लिए, क्योंकि भाई अब ये चॉप तो भाई अपने को रोकने से रहा। ऊपर से इन स्टॉप साइंस को भी जिस बंदे ने भी लगाया है ना भाई, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, इसीलिए अपन लोग इतनी आसानी से इसको डॉच करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो, बस बस एक और बार करवा दे प्लीज। ओ भाई थोड़ा वेट कर लेते गाइस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इस बार राइट से चला जाऊंगा एंड लेट्स गो। तो भाई रुको यार, मेरे लिए भाई रिवर्स में ट्राई कर रहा हूँ भाई उसको करने का। अरे तो करना ब्रो, मैं तो रुकने वाला, अब कहाँ रुकूं मैं, बताओ। यहाँ पर अगर गाड़ी रुकूंगा ना, मेरी गाड़ी सीधा नीचे जाएगी गाइस, मतलब अजीब अजीब जगह पर रुकने के लिए बोलते रहता है और बोलता है भाई रुक जाओ यार फ्रॉस्टी भाई। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, फिनिश लाइन हमारे सामने है, इट्स टाइम टू फिनिश जॉब मेरे दोस्त। अरे गलत, ओ भाई यार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ यार, बेइज्जती करवा लूंगा मैं चॉप के हाथों। भाई इसलिए बोलता हूँ नूब हो भाई आप, मेरे लिए रुको भाई, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं फिनिश मत करना। नहीं दोस्त, तुम्हारी यही सजा है, तुमने मेरे को भाई आरपीजी मारे ना, मेरे से ज्यादा आरपीजी मारे इस बंदे ने। एनीवेज गाइस, थैंक्स वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।